Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, assalamu alaikum. I am Wakaas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 5 about measurements and our lesson number 20. In this lesson we will discuss the solution of exercise review exercise 5 and then अब समरी की तरफ आ जाएं। समरी में वो तमाम डेफिनेशंस हैं या की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने यूनिट 5 में डिस्कस किए थे, जैसा कि डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ. सिमिलरली स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ आर किलोमीटर, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स एंड देन मिलीमीटर्स. ये स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स है जो हम लोगों ने लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज किए. एंड देन वी कैन कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ यूजिंग 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सिमिलरली वी कैन यूज रूलर आर मेजरिंग टेप फॉर फाइंड लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग मेजरिंग टेप वगैरह यूज़ करते हैं और इसी तरह रूलर को यूज़ किया जाता है. जो बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने इस समरी में इनक्लोज कर दिए हैं, इनको आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है. अब आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ. रिव्यू एक्सरसाइज में देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है. इस क्वेश्चन में हर जो पार्ट है, इसमें टोटल 10 पार्ट्स गिवन होंगे और हर जो पार्ट है उसकी 4 ऑप्शंस होंगी और 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगी, बाकी रॉन्ग होंगी. आपने करना क्या है, आपने हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, हर पार्ट में जो दिया गया क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को गौर से रीड करना है और फिर उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने जो है इनसर्कल कर देना है. हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये आपको पता है, वो होते हैं 1000. So quickly encircle the correct option. Similarly, how many millimeters are in 1.5 centimeter? आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर. इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी. सिमिलरली आपने बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सबकी ऑप्शन को गौर से पढ़ना है, जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है ऑप्शन में गिवन, और फिर उनके बाद जो गिवन ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस उनमें से एक जो करेक्ट है उसको आपने चूज कर लेना है. अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपके पास मेजरिंग ऑफ लेंथ है और डिफरेंट लेंथ्स गिवन है, उनको आपने ऐड करना है. ऐड कैसे करना है कि आपने सेम यूनिट्स में ऐड करना है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉरिजेंटल एडिशन मेथड यूज करते हैं या वर्टिकल मेथड यूज करते हैं, बट आपने करेक्टली इसको सॉल्व करना है. अब क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई हुई है और आपने इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सोल्यूशन मैनुअल के साथ टैली करना है और फिर अपने टीचर को ये एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन किया है अपनी नोटबुक के ऊपर वो आपने सबमिट करवा देनी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं. तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. आई होप कि आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह आपने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO. अल्लाह हाफिज़.